आज हम बनाएंगे लौकी मुसल्लम, जो कि मुर मुसल्लम का वेजिटेरियन भाई है। मुसल्लम का मतलब होता है साबुत, यानी पूरा का पूरा। मुसल्लम की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन मैं वो तब बताऊंगा जब हम मुर मुसल्लम बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं लौकी मुसल्लम। लौकी मुसल्लम बनाने के लिए हमने एक पतली और छोटे साइज़ की लौकी ली है और इसे हम अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद हम इसे दो टुकड़ों में काट लेंगे और इसका गूदा निकाल कर इसे खोखला कर देंगे। हमारी लौकी में बीज ज़्यादा है तो हम इसके गूदे को यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपकी लौकी का गूदा सॉफ्ट हो तो आप उसे फिलिंग में यूज़ ज़रूर करें। हम पिलर से लौकी के दोनों साइड से अच्छे से गूदा निकाल लेंगे। ये देखिए कितने शानदार तरीके से खोखला हुआ है। लौकी के अलावा हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, उबले हुए और रफली चॉप किए हुए सोयाबीन, पुदीना, हरा धनिया, उबले हुए आलू, लहसुन, अदरक, लाल मिर्ची, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और खड़ा जीरा। सबसे पहले हम लौकी उबालेंगे। उसके लिए हमने एक कढ़ाई में पानी लिया है और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और हल्दी। जब पानी उबलने लगे तब हम उसमें लौकी डालते हैं और पकने तक उबालते हैं। अब हम लौकी में चाकू घुसाकर चेक करेंगे। हमारी लौकी उबल चुकी है। अब हम इसे निकाल कर साइड में रख देंगे। अब हम लौकी मुसल्लम की फिलिंग बनाएंगे। उसके लिए हमने एक फ्राई पैन में घी लिया है और उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा जब चटकने लगे तो हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज और इसे सुनहरा होने तक अच्छे से भून लेंगे। हमारी प्याज अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और इसे एक मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक और इसे एक मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए और रफली चॉप किए हुए सोया बड़ी और इसे अच्छे से भून के पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक कप उबला हुआ आलू और अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें कटी हुई पुदीना और धनिया की पत्तियां डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी फिलिंग बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे निकालकर साइड में रख देंगे। अब हम लौकी मुसल्लम का मसाला बनाएंगे। उसके लिए हमने कढ़ाई में घी लिया है और उसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा या कोई भी खड़ा मसाला घी गर्म होने के बाद ही डालें, नहीं तो उसका स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और अच्छे से भून लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें आधा कप बारीक कटी हुई प्याज और उसे सुनहरा होने तक पकाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और इसे नरम होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से एक मिनट तक भून के पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर और 3-4 मिनट तक अच्छे से ढककर पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसका टेक्सचर और कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए पुदीना और धनिया के पत्ते और उसे 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। चलिए जब तक हमारा मसाला पक रहा है तब तक हम लौकी को भर लेते हैं। इसे हम चम्मच से अच्छे से दबा दबा कर
दोनों कोनों से भर देंगे। ये देखिए लौकी का एक टुकड़ा भरकर तैयार हो गया है। ऐसे ही हम दूसरे टुकड़े को भी अच्छे से भर लेंगे। हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है और अब हम इसे कढ़ाई में से निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में भरी हुई लौकी को भून लेंगे। हमारी लौकी अच्छे से भुन गई है और अब हम इसमें इसका मसाला डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए हमारी मज़ेदार बेहतरीन लौकी मसल्लम बनकर तैयार हो गई है। आप भी इसे घर पे ज़रूर बनाएं, रोटी या पराठे के साथ खाएं। मैं तो इसे पुदीना पराठा के साथ खाऊंगा, ऑलरेडी बना चुका हूँ और उसकी रेसिपी अगली वीडियो में ज़रूर डालूंगा, तो देखना ना भूलें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में क्या बनाऊं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।